हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तस्मिया की दुनिया। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मुहर्रम स्पेशल ये कलरफुल जर्दे की रेसिपी। मुहर्रम में अक्सर जर्दे वगैरह भी बढ़ता है, खिचड़ा के अलावा भी। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है, तो मैंने इसे फटाफट से बनाकर तैयार किया है और एकदम परफेक्ट ये जर्दा बन के तैयार हुआ था। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एकदम खिले खिले से ये चावल बनेंगे। तो ऐसे ही मुतंजन की रेसिपी मैंने मेरे चैनल पर अपलोड है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और पिन कमेंट में भी है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। वो भी बनाना बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है, एकदम बावर्ची स्टाइल। तो ये ज़र्दा भी एकदम आसान है, तो इसको भी आप बना सकते हैं मुहर्रम में बांटने के लिए। चलिए फिर इसे बनाने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 300 ग्राम बासमती चावल, आप आधा किलो भी ले सकते हैं, मतलब जितना आपको बनाना है उतना ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा ही बनाया है और इसे 3-4 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे, जो इसके ऊपर पॉलिश रहती है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। उसके बाद हम इसे भिगो देंगे सिर्फ आधे घंटे के लिए। तो जितना इस जर्दे में जितना चावल रहता है ना, उतनी ही चीनी डलती है, पर मैंने थोड़ा सा कम लिया है। तो आधा घंटा हो गया है, अब हम इसे बॉयल कर लेते हैं। तो बॉयल करने के लिए सबसे पहले हम रखेंगे पानी, उसमें डाल देंगे दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 डाल देंगे लौंग और 2 हरी इलायची को ऐसे खोलकर। तो यहाँ पे डाला जाता है संतरे का छिलका, तो संतरे का छिलका तो अभी नहीं पॉसिबल है, तो मैंने यहाँ पे नींबू के छिलके को ऐसे थोड़ा सा ग्रेट करके डाल दिया है। इससे क्या होता है ना, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, एक बार डाल कर देखिए, बहुत अच्छा लगता है। और ये जो मसाले हमने डाला है ना, उसको भी डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हमारे जर्दे में। तो मैं थोड़ा सा तेल डालना इसमें भूल गई थी, तो मैं अब डाल रही हूँ 1 टीस्पून तेल, रिफाइंड तेल डालना है। और उसके बाद जब पानी में भी बॉयल आ चुका है, तो मैं भिगोए हुए चावल को डाल देती हूँ और हाई फ्लेम पर हम इसमें उबाल आने देते हैं। तो यहाँ पे मैं चावल को एकदम सफ़ेद और खिला खिला सा बनाने के लिए मैं इसमें आधा नींबू का रस निचोड़ रही हूँ। इससे क्या होगा कि हमारे चावल एकदम सफ़ेद बनेंगे और एकदम खिले खिले से बन के तैयार होंगे। तो चलिए इसे हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देते हैं, ढक देंगे तो जल्दी से इसमें उबाल आ जाएगा। तो ये चावल को आप वैसे डायरेक्ट भी बना सकते हो, कोई कोई चावल जैसे अंदाज के ऊपर है तो आप ऐसे चावल बना के उसके बाद चाशनी बना के चावल को पलट सकते हैं। पर अगर इस तरीके से, जैसे अगर कोई बिगनर बना रहा है ना, तो इस तरीके से वो बनाएगा तो एकदम परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे चावल में जो है उबाल आना शुरू हो गया है, तो मैंने एक बार मिक्स कर दिया है क्योंकि उस चारों तरफ से चावल अच्छे से उबल जाए। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं चावल को पकते हुए हाई फ्लेम पर, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, उसके बाद फिर थोड़ी देर और पका लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल अभी कच्चा है, मतलब 70% तक कुक है, पूरा नहीं कुक है। तो हम इसे थोड़ी देर और पका लेंगे, मतलब कि 90-95% तक अच्छे से इसे पका लेंगे, उसके बाद हम इसे छान लेंगे। तो यहाँ पे मैंने छान लिया है, सिर्फ पानी मैंने ड्रेन कर दिया है, बाकी आप देख सकते हैं, मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ चावल को, अच्छे से ये मैश हो जा रहे हैं ना। तो बस इसी तरीके से पकाएंगे तो ज़र्दा बहुत अच्छा बनेगा। फिर हम इसे ढक कर रख देंगे, ठंडा पानी वानी कुछ भी नहीं डालना है, बस ऐसे ही ढक कर रख देंगे, भाप से वो अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पे दूसरी कढ़ाई मैंने रख दिया है, उसमें डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड तेल, आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप रिफाइंड तेल नहीं खाते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जो आपको पसंद हो। यहाँ पे मैंने लिया है काजू, बादाम और चिरौंजी और किशमिश थोड़ा सा, और इसे एकदम हल्की आँच पर हल्का सा एकदम फ्राई कर लेंगे। इससे क्या होता है कि सौंधापन आता है बहुत ही अच्छा सा। तो यहाँ पे मैंने कैमरे को दूर कर लिया है क्योंकि पानी का छींटा उड़ेगा। तेल में डालेंगे एकदम थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा मतलब कि जो छोटा वाला कप होता है ना जिससे हम चाय पीते हैं, तो वो वाले कप से आधा कप से भी कम आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने चीनी भी डाल दिया है, तो 300 ग्राम चावल था तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम तक चीनी डाला है, 250 ग्राम से थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, कम नहीं। तो चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे चीनी डालते हुए क्यों नहीं दिखाया मैंने, तो भाप की वजह से कैमरा ऑफ हो गया था और मुझे पता नहीं चला, बीच बीच में मैं चेक करती रहती हूँ पर पता नहीं चला, पता नहीं कैसे। अब हम इसे डालकर, चावल डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चीनी जब घुल जाए ना तब चावल को डालना है, अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद ढक देंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसे हाई फ्लेम पर, मतलब अच्छे से भाप बन जाए तब तक हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद धीमी आंच से हम इसे पकने देंगे, बीच में एक बार ज़रूर मिक्स कर लीजिएगा, इससे क्या होगा कि नीचे जो पानी जैसा रहता है ना वो अच्छे से पक जाएगा। मिक्स करने के बाद थोड़ा ढक देंगे, फिर उसके बाद खोलेंगे तो इसमें डालेंगे फूड कलर, तो आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक इसमें कलर डाल सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे 3 कलर डाला है, ऑरेंज और येलो और ग्रीन कलर, तो अगर आपको और भी कलर अच्छे लगते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं अच्छे लगते हैं तो सिर्फ रेड ही डाल दीजिए, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा ये कलरफुल लगता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने जो ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया था उसको डाल दिया है, गरी का बुरादा डाल दिया है,
यहाँ पे एक चीज़ और मैंने डाला था, देसी घी। ऊपर से एक छोटे चम्मच देसी घी आप डाल लीजिएगा। पर आप देख सकते हैं भाप कितना ज़्यादा बनता है कि मोबाइल एकदम गर्म हो जाती है, ऑफ हो जाती है। कलर वगैरह सब चीज़ डालने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए हम और इसको पकने देंगे, मतलब एकदम धीमी आंच पे, ताकि अच्छे से ये चावल और हर चीज़ एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। मैं इसको थोड़ा ज़्यादा कलरफुल बनाई हूँ तो मैंने थोड़ा डार्क किया है, आप हल्का भी रख सकते हैं, पर अच्छा लग रहा था खाने में भी और देखने में तो पूछिए ही मत। तो इसे एकदम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, मतलब 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे ना, तो एकदम एकदम से चावल एकदम खिले खिले से दिखेंगे, चिपके चिपके नहीं लगेंगे। तो उसके बाद हम इसे सर्व कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं टेस्टी और मज़ेदार सा ये ज़र्दा बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स, मुहर्रम की बहुत सारी रेसिपीज़ की वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर दिया है चेरी से, और ये मेरे पास छोटे छोटे से पेठे थे, आगरा का पेठा जो होता है वो कलरफुल थे, तो मैंने उसको भी डाल दिया है, बहुत अच्छा लुक आता है। तो आई होप कि अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, इतने टेस्टी सी रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है ना। डेली ऐसे टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी के लिए मेरे चैनल दस मियां की दुनिया को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।